अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले के देवतलाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नई गढ़ी कस्बा के वार्ड क्रमांक 15 निवासी 20 वर्षीय नवविवाहिता ने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो वही अचंभित रह गई। नवविवाहिता के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाने की जानकारी लगते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिजनों के बयान दर्ज किए। वहीं महिला के शव को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाम का है? राजकुमार। राजकुमार कहाँ गए रहे? हम गए थे ना सवेरे काम पर, पल्लेदारी करी थे तो रोज सवेरे निकल जी थे काम पर। हाँ। खाए पीते सूचना कसके मिली? हम मतलब मौसी के बिटिया गए रही बुलाब है। हाँ हम क्या बताई? हम खाना यहाँ से खाए, सुबह खाना खाए के गए तो मलकिन हुआ जिंदा रहे, और जब लौट के आए तो हमारे मौसी की बिटिया हम कब बुलाबे गए थे हमारे तो हम मलकिन मर गए फांसी लगाए। घुटने में क्या लगा है? ये पैंट में क्या लगा है? जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी आप पर सुख है, हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाब विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय भारत।